नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कटहल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एक फल भी है और एक सब्जी भी है। कटहल मुख्यतः पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यह दक्षिण भारत में पाया जाता है। कटहल का जो पेड़ होता है वो करीब 15 से 25 मीटर तक ऊंचाई तक जा सकता है और यह सदाबहार पौधा होता है। इस पर साल में एक बार फल आते हैं और इसका फल दुनिया में सबसे बड़ा फल माना जाता है, जो 50 से 55 किलोग्राम तक जा सकता है। जैक फ्रूट एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसकी गिनती फल और सब्जी दोनों में होती है। इस बार गर्मी के मौसम में इसे खाने का बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी शरीर को कोरोना वायरस से बचाने में सहायक हो सकता है, क्योंकि इसके खाने से इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कटहल वेज मीट है और गजब है इसका स्वाद और गुण। कटहल का उपयोग फल के रूप में भी किया जाता है और सब्जी के रूप में भी। इसमें ऐसी कई खूबियां होती हैं जो इसे गर्मी के मौसम का गुणकारी फल और सब्जी है बनाती है। ख़ास तौर पर अगर अब कोरोना वायरस के समय की बात करें तो कटहल का सेवन बहुत अधिक लाभकारी है। यह किन खूबियों से भरपूर होता है, आइए इसका पता लगाते हैं। यह कटहल में विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स और विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए, विटामिन बी सिक्स ब्रेन हेल्थ के लिए और विटामिन सी इम्यून सेल्स के बूस्ट करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कटहल चाहे तो आप सब्जी के रूप में खाएं या फिर इसे पकाकर फल के रूप में इसका सेवन करें। इससे आपको कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, थायमिन और नियासी जैसे मिनरल्स और पोषक तत्व मिलते हैं। आप जरा सोचिए, कितने कुछ समेटे हुए हैं कटहल अपने मोटे और सख्त छिलकों के नीचे। ये सभी तत्व हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। वैसे भी कोरोना काल में हर किसी को मजबूत इम्यूनिटी की ज़रूरत है। ऐसे में कटहल की स्वादिष्ट सब्जी हम सभी की इस जरूरत को पूरा करती है। कटहल में फाइबर भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है या जिनका पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, उन्हें कटहल की सब्जी का सेवन जरूर करना चाहिए। कटहल की सब्जी पाचन के लिए बेहतर बनाकर गैस की समस्या, सख्त मोशन की समस्या और मोशन के दौरान प्रेशर लगाने जैसी समस्याओं में लाभकारी है। कटहल का फल और सब्जी दोनों ही हमारे शरीर को फ्लू, वायरल और फीवर से बचाने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी एक एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो वायरल वायरस और बैक्टीरिया को मारने वाली रक्तकणिकाएं बनाने में सहायता करता है। डेंगू, मलेरिया, फ्लू और सबसे खतरनाक कोरोना से बचने के लिए यदि संभव हो सके तो आप अपने दैनिक आहार में कटहल के फल और सब्जी को शामिल करें। यह आपके शरीर को मजबूत बनाने का काम करेगा। विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन के उत्पादन में सहायक करता है। यह कोलेजन हमारी स्किन को युवा बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। तथा साथ ही विटामिन ए हमारी आँखों की आर्टरी के वो संकुचन से रोकता है। इससे हमारी आँखों की रोशनी बुढ़ापे में भी सही बनी रहती है। विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन के उत्पादन में सहायता करता है। यह कोलेजन हमारी स्किन को युवा बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। तथा विटामिन ए हमारी आँखों की आर्टरी को बुढ़ापे में भी रोशनी देने का काम करता है। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर हमने यह कटहल को वेज मीट क्यों कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कटहल हमारे शरीर को गुण तो देता ही है जो किसी फल और सब्जी से हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही कटहल उन गुणों से भी भरपूर होता है जो आमतौर पर डेयरी प्रोडक्ट या मीट से मिलते हैं। जैसे कटहल में कैल्शियम भी होता है, इसकी प्राप्ति के लिए हम मुख्य रूप से डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज पर निर्भर रहते हैं। साथ ही इसमें मिलने वाला अमीनो एसिड हमारे दिल की सेहत को बनाए रखने में सहायता करता है। पोटेशियम हमारे शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। इससे बड़ी बात यह है कि कटहल की सब्जी बनाने के
बात देखने में कुछ कुछ नॉन वेज जैसी दिखती है और इसके बड़े बड़े पीसेज को खाने का तरीका भी कुछ कुछ मीट जैसा ही होता है। जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिनकी सांस फूलने की समस्या है, या जो लोग हर समय खुद को थका हुआ अनुभव करते हैं, वे कुछ दिन नियमित रूप से एक समय कटहल के फल और एक समय की सब्जी का उपयोग करें तो कुछ दिनों में उन्हें बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। कटहल की मसालेदार सब्जी किसी के भी मुंह में पानी ला सकती है। ये दुनिया का सबसे बड़े फलों में से एक है। कटहल का इस्तेमाल न केवल सब्जी बनाने में बल्कि अचार, पकौड़े और कोफ्ता बनाने में भी किया जाता है। पका कटहल सभी को काफ़ी पसंद है, विशेषकर बच्चे लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अतः आपसे विनती है कि इसका उपयोग आप खूब भरपूर मात्रा में करें। इससे किसानों को भी इसका फ़ायदा होगा और सबसे ज़्यादा फायदा आपकी इस कोरोना काल में आपकी सेहत अच्छी बन के होगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।